जय महाकाल। चेतना मंच के दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शिवरात्रि मंगलमय हो, भोले बाबा आप पर कृपा बरसाते रहें। महाशिवरात्रि का क्या है पर्व, कौन सा मंत्र का उच्चारण करें कि बाबा को प्रसन्न कर लिया जाए, क्या है विधि पूजा की और कौन से पहर बाबा की पूजा की जाए, चारों पहर का हम समय भी बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी रुद्री कराने से क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं महाशिवरात्रि का पर्व की क्या महत्वता है। महाशिवरात्रि, इसमें शक्ति का मिलन है शिव के साथ, यानी शिव जी की विवाह का योग इस दिन बना था। ऐसा माना जाता है कि काशी माँ अम्बे की ससुराल है और प्रलय काल पर भी चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल की नोक पर उठाकर रखते हैं। इसी दिन विवाह संपन्न हुआ था और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं उनके घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य की आयोजन होता रहता है, घर में भी उनके उत्सव होते रहते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनके सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। इस बार का समय की बात करते हैं कि मुहूर्त की जब हम बात करते हैं, फागुन मास की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष 18 फरवरी को रात्रि 8:03 से 19 तारीख शाम 4:19 तक का समय है। अब प्रथम पहर की बात कर लेते हैं, तो प्रथम पहर की जो पूजा है वो 18 फरवरी को शाम 6:41 से 9:47 तक का समय रहेगा। ये प्रथम पहर की पूजा है। आप प्रथम पहर की पूजा में देखते हैं कि वो भेलनी जो आती है वो बच्चों की कथा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, इस तरह की वो कथा पूरी सुननी चाहिए। पत्र गिरे और बेल पत्र जब गिरे तो भगवान शिव ने उसको प्रथम पहर की पूजा मान ली। द्वितीय पहर की पूजा करेंगे 9:47 से लेकर 12:53 तक हो गई रात्रि की, ये मध्य रात्रि में कहलाएगी। तृतीय पहर की पूजा कहलाएगी 12:53 से लेकर 3:58 तक, तब भोर हो चुकी होगी, यानी कि 3:58 पर एम हो जाएगा। और चतुर्थ पहर की पूजा का समय है 3:58 से लेकर 7:06 तक। अच्छा, व्रत का प्रायण भी आपको बता देते हैं, 19 फरवरी को व्रत का प्रायण होगा 6:11 से लेकर 2:41 तक। तो ये थे चारों पहर की पूजा। इस चारों पहर की पूजा में हम क्या करें क्या ना करें ये भी आपको बताते हैं कि क्या हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए और इस समय तो हमें रात्रि पहरों में कथा ही सुननी चाहिए। पूजन की विधि की बात कर लेते हैं, तो पूजन की विधि अगर आपसे संभव हो तो 18 तारीख शाम से ही आप रुद्राभिषेक का आयोजन करें, शिव की कथाएँ सुनें। रुद्राभिषेक में रूपक रुद्री करना भी लाभकारी होता है, जिसमें रूपक रुद्री हम 16 मंत्रों की रुद्री भी कर लेते हैं, जिसको लघु रुद्री के नाम से जाना जाता है। अगर आप पे समय का अभाव नहीं है तो नमक चमक की रुद्री का आयोजन कीजिए, इसमें पंचम और अष्टम अध्याय का बार बार अध्ययन किया जाता है। रुद्राभिषेक करते समय आपका मुँह उत्तर पूर्व की तरफ हो, क्योंकि मैं कहाँ का वासी हूँ, ईशान का वासी हूँ, तभी कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मैं कहाँ का वासी हूँ, ईशान का वासी हूँ, ईशान में शीतल स्थान पर भगवान शिव बैठते हैं। रुद्राभिषेक का जब आयोजन किया जाए, पूर्ण शिव परिवार हो आपके पास, भगवान शिव की कोई पिंडी आपके पास छोटी सी मिल जाए तो, और नर्मदा के शंकर मिल जाए तो अति उत्तम, नर्मदा का हर कंकट शंकर, ये बात मान लीजिए, इसको ईशान में रखिए, प्रतिदिन गिलहरी से जल गिरता हुआ उन पर हो, गणपति भगवान हो, साउथ में स्वामी कार्तिकेय हों, उनके सामने नंदी हों, और भगवान शिव बाबा और माँ अम्बे गणपति के सामने
और उनके उल्टे हाथ की तरफ स्वामी यहाँ हमारे कुबेर हो। इस तरह से हम पूजन की विधि का आयोजन करते हैं। गन्ने के रस से करें, कच्चे दूध से करें, पंचामृत से करें, ऋतु फलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, और जो धूप जलाएं उसकी जो भभूति हो वो उनको भेंट दें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, पान, आग का फूल, बेलपत्र जो आपको मिल जाए वो उनको ऋतु फलम समर्पयामि, जो ऋतु का मौसम का जो भी आपके पास फल हो वो भगवान शिव को भेंट कर सकते हैं। हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं, भगवान शिव को पूरे गणेश से प्रारंभ करें, पूरे शिव परिवार पर आप जल अभिषेक करें, उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें, खाली जल ना मिलाएं, थोड़ा कच्चा दूध भी उसमें डाल दें। यहाँ पर तुलसी ना चढ़ाएं, कदापि तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी समर्पित ना करें। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण भी अवश्य करना चाहिए, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्रंबकेश्वर, केदारनाथ, गणेश्वर, सोमनाथ, तारकनाथ, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिका अर्जुन, इनका नाम का उच्चारण करना चाहिए। अब क्योंकि भगवान शिव का जब आप पूजन कर रहे हैं तो जो मंत्र आपको से आता है वो मंत्र करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय करें, शिवाय शिवाय मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, ऐसे आप उच्चारण करते रहें। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने, हे महादेव हम संसारिक बंधनों में जकड़े हुए हैं, जन्म और मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हमें आप अपनी शरण में ले लीजिए, इस तरह की भी आप स्तुति कर सकते हैं। इस प्रकार से उनके बाद आरती कीजिए, सभी देवताओं की आरती कीजिए, अगर हो सके तो पूरे शिव परिवार की आरती कीजिए, इससे आपका जो घर में है उसकी रक्षा होगी, जो नहीं है वो बाबा के संपूर्ण परिवार के आशीर्वाद से आपको भी प्राप्त होगा। और साथ में यहाँ पर क्या करना होगा जो बहुत ज़रूरी है, कि आपने ये संकल्प लेना होगा कि भगवान शिव के प्रति आपके अंदर से हर श्वास में नाम निकले, क्योंकि मनसा वाचा कर्मा, जो लोग कर नहीं सकते, जो लोग पूजा नहीं कर सकते, जो मंदिर नहीं जा सकते, वो मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो हमने नाम बताया, इनके नामों का उच्चारण प्रातःकाल और संध्याकाल लेने से सभी दुख, दर्द, कंटक, कलेश चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं दुख हर, दर्द हर, कंटक हर, अज्ञानता हर, हर हर महादेव शंभु। जब आप हर हर बोलते हैं तो सभी आपके दुख, कंटक, कलेश हर लेते हैं। और 30 साल बाद ऐसा योग बनेगा कि शुक्र अपनी उच्च राशि में यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपको सब सुख प्रदान करेंगे। और प्रदोष व्रत वाले दिन अगर ऐसा संयोग पड़ जाए तो आपकी सभी सुख सुविधाओं को भगवान शिव संपन्न करा देते हैं। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे शिव परिवार की तरफ से आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण होते रहें और बाबा आप पर कृपा बरसाते रहें। जय महाकाल।